अभी हाल फिलहाल पीछे जो है दिल्ली का चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, जहां बीजेपी जो है उनकी बड़ी हार हुई, जो लोग उम्मीद भी नहीं लगा पा रहे थे कि बीजेपी जो है इतनी बड़ी उनकी हार साइड और उस चुनाव को जीतने के लिए साफ तौर पे वही पुराना ओल्ड टैक्टिक पे भाजपा आई कि भाई को भाई से लड़ाओ, हिंदू मुसलमान दंगा कराओ। और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय मंत्री इस तरह के जहरीले बयान देना, जहरीले स्लोगन्स देना, सोसाइटी को कॉम्युनलाइज करना का बीजेपी ने पुरजोर प्रयास किया। कोई भी तरकीब भाजपा द्वारा जो है दिल्ली के चुनाव में या झारखंड के चुनाव में उन्होंने नहीं छोड़ा। बात ये आई कि इतनी बड़ी हार हुई तो साफ भाजपा के लोग जब समझ गए कि उनके ध्रुवीकरण से नहीं चल रहा तो इसको और जो है उग्र बना। और दिल्ली के चुनाव के बाद देश की जनता को ये संदेश दिया गया भाजपा द्वारा, ये भाजपा के लोग कहना चाहते हैं कि अगर तुम हमको चुनाव हराओगे तो हम शहरों को जलाने का काम करेंगे और शांति फैलाने का काम करेंगे, भाईचारे को तोड़ने का काम करेंगे। और हम तो धन्यवाद देते हैं दिल्ली की जनता को कि उन्होंने जो बैंडेड जो दिया सोच समझ करके जो देने का काम किया। तो ऐसे जो लोग गांधी जी के हत्यारे हैं, जो लोग केवल ध्रुवीकरण की बात करते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे और कोई उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए। अभी जो भी आंकड़े आ रहे हैं कितने लोगों की मृत्यु हुई दिल्ली चुनाव दिल्ली में दंगों में लेकर के, अभी स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी ऑफिशियली आंकड़ा जो है लगभग 10-18 के आसपास है, लेकिन इससे ज़्यादा हो सकती है, वो तो पोस्टमार्टम के हिसाब से जो है जानकारी प्राप्त हो। लेकिन इसकी कितनी भी निंदा की वो कम है। पता है देश की राजधानी दिल्ली और जगह चुना गया है दिल्ली ताकि पूरे देश में भाजपा जो है संदेश दे सके। तो हम तो जो संविधान में जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनसे हम यही अपील करेंगे कि इनको जो भी मैंडेट मिला हो काम के लिए मिला। अब जब जनता सवाल पूछ रही है कि भैया बेरोजगारी का क्या हुआ, अच्छी शिक्षा का क्या हुआ, अच्छे अस्पतालों का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, मजदूरों का क्या हुआ, देश का जीडीपी गिर रहा है 2.5 पे आ गया जो इनका कैलकुलेशन है, लेकिन पुराने फॉर्मूला से चलिए तो 1 पे आ गया, आर्थिक मंदी है, इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियाज उखड़ रहे हैं, लोग मजदूरी को मजदूरी नहीं मिल रही है, देश में जो है किसान जो है आत्मदाह करने पे आ गए हैं। इस हिसाब से जो सही मायने में जो मुद्दा है उस मुद्दे से डाइवर्ट करके ये चाहते हैं कि इन सारी चीजों में उलझाने का काम। तेजस्वी जी एक सवाल है, वहाँ केजरीवाल जी को क्या करना चाहिए या विपक्ष को क्या करना चाहिए? हम सलाह देने वाले नहीं है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना, सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को समझाने का। तेजस्वी जी एक सवाल।